Inviting a girl to a bar without flowers? Seriously? Since when did you start liking flowers? Make it brief. I just got back from all that chaos. Job. Give me a minute. Got business for you, but you don't look too interested. Guess I'll go then. Maybe I do need to come with flowers next time. All right, now. What have you got? The recent demon outbreak isn't just random. It seems they're looking for something. Something important. Speaking of the demon... भाई इसकी तो स्टार्टिंग ही अमेजिंग है। तो और यारों, कैसे हो? स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम लोग खेलने वाले हैं डेविल मे क्राई मोबाइल पिनिकल्स ऑफ कॉम्बैट हमारे रियलमी एक्स थ्री में। अब जैसा कि आपको पता है, मेरे पास रियलमी एक्स थ्री और भाई डेविल मे क्राई मोबाइल का ये आई थिंक तीसरा बीटा होगा और ये फाइनल बीटा टेस्ट है। तो मैंने सोचा भाई, हमने काफ़ी सारे गेम अभी तक टेस्ट करे हमारे रियलमी एक्स थ्री में, और भाई डेविल मे क्राई क्यों नहीं। और पर्सनली मैं भी इस सीरीज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था इस गेम को चेक करने के लिए। इसके पहले भी मैंने इस गेम के वीडियोस वगैरह देखे थे, बट जब फर्स्ट और सेकंड टाइम इसका बीटा टेस्ट हुआ था तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था इसमें लॉगिन वगैरह करना। बट इस बार ऐसा नहीं है, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई कि आप इसमें कैसे लॉगिन वगैरह कर सकते हैं या फिर कैसे आप इसको बीटा टेस्ट में खेल सकते हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। खैर, इस बार इसमें थोड़ा लॉगिन वगैरह करना थोड़ा सा आसान था, तो मैंने भाई ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और हमने काफ़ी सारे गेम टेस्ट करें, तो भाई ये वाला गेम क्यों नहीं। खैर, ये कुछ ट्यूटोरियल वाला पार्ट है और मैं इस गेम के और भी पार्ट्स बनाने वाला हूँ, मतलब जितना मैं बीटा टेस्ट में इसको खेल पाया हूँ उतने सारे पार्ट्स बनाने वाला हूँ। और मैं अभी आपको फटाक से सेटिंग्स बता देता हूँ। अब देखो, ये गेम अभी एक्चुअली चाइनीज़ में ही है, तो ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में आइकन भी बने हुए हैं साउंड का और ग्राफिक्स वगैरह का और कंट्रोल्स का। तो ग्राफिक्स में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 60 और चाइनीज़ में कुछ लिखा है, वो आई थिंक FPS होगा। और HDR वगैरह भी देखिए इनेबल है, बाकी सारी सेटिंग्स भी अपने मैक्स पे हैं, मैंने उसको सबको मैक्स पे कर दिया। और इससे ज़्यादा ये मैक्स होनी रही थी, तो आई थिंक हम लोग इसको मैक्स सेटिंग्स पे ही खेल रहे, तभी देखिए कि तब ब्यूटीफुल दिख रही है। तो वैसे तो मैं इसका एक वॉक थ्रू टाइप बनाने वाला था इस गेम का, बट क्योंकि हमने इसके ग्राफिक्स वगैरह की सेटिंग एकदम मैक्स करी, तो मैंने सोचा एक तरह से इसका एक रियलमी एक्सट्रीम में इसका एक रिव्यू टाइप ही बनाते हैं। और वॉक थ्रू भी हमने इसके बनाए हुए हैं, मैं इसके और भी वीडियो डालूंगा, अगर आप लोग को देखने हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है। और आप लोगों में से अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता है इसकी स्टोरी के बारे में, तो मैं पूरे वॉक थ्रू के टाइम आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि एक्चुअल में गेम की स्टोरी में अभी चल क्या रहा है। और ऑब्वियसली वो मैं हिंदी में बोलूँगा, तो आप लोग को ईजिली समझ में भी आ जाएगी। खैर, आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया और हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। वेल, इसके पहले भी मैंने एक आध कोई वॉक थ्रू टाइप गेम बनाया, बट मुझे अभी भी थोड़ा आइडिया नहीं है कि एक वॉक थ्रू वाले वीडियो में आपको कैसे क्या वॉइस ओवर देना चाहिए। तो अगर आप लोग को कोई भी सजेशन मुझे देना हो कि कहाँ पे मुझे चुप होना चाहिए और कहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर से दे सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल कंसीडर करूँगा। और ये जो भी अभी ट्यूटोरियल वाला पार्ट देख रहे हैं ना, तो आप मुझे इसका भी बताना कि मैं इसको वीडियो में रखूँ या नहीं रखूँ, क्योंकि इसको देख के आई थिंक आपको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो मैं सोचा था इस ट्यूटोरियल वाले पार्ट को भी हटा दूँ, बट आप लोग मुझे इसके बारे में भी सजेस्ट कर सकते हैं।
और इसकी जो आगे आने वाली वीडियो रहेंगी, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं अपना वॉइस ओवर उनमें रखूँ या फिर विदाउट वॉइस ओवर भी सिर्फ गेम सिर्फ गेम ही रहे उसमें, मतलब मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, आप साइलेंट वॉक थ्रू टाइप जो वीडियोज़ होती हैं आप उस टाइप से इसको गेम को इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे भी सुनने लायक नहीं है। खैर अगर आप लोग को वॉइस ओवर नहीं चाहिए होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। फिर बात करें गेम की स्टोरी की, तो डांटे कुछ पब वगैरह में था और उसके ऊपर कोई डीमंस वगैरह हमला कर देते हैं, तो अभी हम लोग उन्हीं को मारने मुड़ने निकल लें। और अगर आप लोग को डेविल मे क्राई सीरीज़ के बारे में नहीं पता हो तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम है डांटे, ये एक्चुअली आप बोल सकते हो आधा ह्यूमन और आधा डीमन है, और इसके फादर का नाम है स्पाइडर, और इसका एक भाई भी है वर्जिल जो आपको आगे दिखेगा इस गेम में, वो एज अ प्लेएबल कैरेक्टर भी रहेगा और वो एक्चुअली इस गेम का विलन रहेगा एक तरह से मेन। और इसकी स्टोरी बहुत ही ऑसम है, मैं डेविल मे क्राई सीरीज़ का भाई बहुत पहले से फ़ैन हूँ, अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊँ तो इसी गेम को खेलने के बाद मुझे गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट आया था, मैंने PS2 में इस गेम को खेला था, और जब मैंने सुना कि एंड्रॉयड में लॉन्च हो रहा है तो मैं सही बताऊँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये लोग इतना अच्छा बना पाएंगे गेम, क्योंकि इसके कंट्रोल वगैरह काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग मूव सेट्स होते हैं जो आपको अचीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इवन विथ कंट्रोलर लाइक PS2 या PS3 के, बट इन्होंने जिस टाइप की कंडीशन रखी कंट्रोलर्स के साथ और जैसे कंट्रोल्स आपको दिए आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है। It's a tiny library. Find it now or I'll kill you all and do it myself. Tell useless scum phantom I will be waiting for you in the future. But हम लोग इसको आगे जाके मारने वाले हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। I can't wait to see what happens next. डेविल मे क्राई गेम्स की ना खास बात यही है इस पूरी सीरीज की कि जो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स मिलते हैं और आप उन डिफरेंट टाइप के वेपन से जो किल साइट अचीव कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के कॉम्बोज बना सकते हैं आपके मन के हिसाब से, ये इस गेम की खास बात है। जो स्टोरी है वो तो टॉप नॉच है ही, आपको एक फुल ड्रामेटिक टाइप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी दोनों भाइयों के बीच में, बट जो मेन है इस गेम का वो यही है कि आपको जो कॉम्बैट स्टाइल मिलता है इस पूरी सीरीज़ में वो आपको किसी भी गेम में नहीं मिलता है। मैं PC गेम्स की ही बात कर रहा हूँ कि आप डेविल मे क्राई सीरीज़ को बाकी PC गेम से भी कंपेयर करेंगे तो जो कॉम्बैट स्टाइल आपको इस सीरीज़ में मिलता है वो आपको किसी भी और सीरीज़ में या फिर किसी भी और गेम में नहीं देखने को मिलता है। इस गेम के जो क्रिएटर हैं वो है कैपकॉम, और कैपकॉम ने और भी बड़े बड़े गेम्स बनाए जैसे कि रेजिडेंट ईविल वगैरह, बट उनकी भी सबसे बेस्ट सीरीज़ यही है, और डेविल मे क्राई काफ़ी टाइम से बन रहा है और जब और इसका मोबाइल वर्जन भी इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया बनाया है। आई थिंक इन लोगों ने स्क्वायर इनिक्स के साथ कुछ पार्टनरशिप वगैरह करके बनाया है, पहले तो मुझे लग रहा था ये लोग भी टेंशन वगैरह से करेंगे, बट बढ़िया ही है भाई स्क्वायर इनिक्स से कर ली, तो आई थिंक अब इसको इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्च वगैरह होने में। खैर अभी भी ये गेम बीटा में है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ में है, खैर इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही रही है क्योंकि जो सेटिंग्स वगैरह है वो जो सेटिंग्स वगैरह पेज है वो समझ में नहीं आ रहे, बट खेलने में इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस पर, क्योंकि यार हमको तो स्टोरी से मतलब है और वो इंग्लिश में ही है। ये आई थिंक ये भी क्लियर हो गया और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। खैर आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कमेंट्स में कि आपको इस जो वॉक थ्रू रहेगा इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो की लेंथ कितनी चाहिए। अभी ये कुछ वीडियो रहेगा आई थिंक 12 या 13 मिनट का, मतलब बोलो तो मैं इसके 20-20 मिनट के भी लेंथ वाले वीडियो बना सकता हूँ। आई थिंक कुछ एक या दो ही पार्ट होंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसको बीटा टेस्ट में कितना खेल सकता हूँ, अभी जितना मुझे टाइम मिल रहा है अवेलेबल उसमें मैं भाई जितना हो सके इस गेम को खेल रहा हूँ। आई थिंक यहाँ से कुछ जंप वगैरह करना है। हाँ ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट बॉस जिसको हमको डिफीट करना है। Yeah.
आई थिंक ये फर्स्ट ही बॉस है तो इसको ज़्यादा मारने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब आराम से ही मार पा रहा हूँ इसको। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे बॉस आएंगे जिनको डिफीट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होने वाली है, बट यार मज़ा तो पूरा आएगा। पहले ये मरने ही वाली है तो फटाक से इसको मारते हैं और फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो बॉस हो चुकी है हमारी डिफीट और ये हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो हो चुकी है क्लियर, या फिर आप बोल सकते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हो चुका है क्लियर। और इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर ही ख़त्म कर दूँगा, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है एक वीडियो में। अगर आप लोग को और लंबी लेंथ की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जितनी आप लेंथ तो बोलेंगे मैं उतनी वीडियो की लेंथ रख दूँगा। टाइल तो भाई के लाजवाब है। वेल गेट तो खुला नहीं तो आई थिंक कोई और वे होगा यहाँ से जाने का। तो स्टेज हो गई हमारी क्लियर और इतना ही था इस वीडियो में। इसके आगे भी गेम प्ले आएगा तो अगर आप लोग को वो गेम प्ले देखना तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और जितनी भी मैंने आपसे बातें पूछी आपको जैसा भी मतलब मेरा वॉइस ओवर चाहिए नहीं चाहिए और कब बोलना है कब नहीं बोलना है, अगर आप लोग को उस पर कुछ भी सजेस्ट करना है तो आप मुझे ज़रूर से बता देना। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जिस जगह पर खड़ा हूँ तो आपको ये जो स्टोरी मोड वाला फिगर है ये भी आपको देखना है या नहीं देखना है मुझे ज़रूर से बता देना। इसको भी हम लोग वीडियो में रखें या नहीं रखें ये भी आप मुझे ज़रूर से बताना। तो खैर इतना ही था इस वीडियो में, अगर आप लोग को इस गेम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।